नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़। केपीपीएन न्यूज़ टीम ने आज बुद्ध बाजार में कोरोना संक्रमण पर राहगीरों से की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, लेकिन यहाँ की जनता अनसुनी करती दिखाई पड़ रही है। धारा 144 भी लागू है, जो कि बुद्ध बाजार में जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं वह अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रही है। जब केपीपीएन न्यूज टीम पहुंचती है तब वहां पर देखकर हड़कंप मच जाता है। तुरंत व्यापारी अपने मास्क में लगाकर जुट जाते हैं। केपीपीएन न्यूज टीम ने लोगों से अपील की कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। मौजूद है गोल मार्केट चौराहे पे, जहां पे कुछ राहगीर बिना मास्क के टहल रहे हैं। आइए बात करते हैं उन राहगीरों से। भैया, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आप बिना मास्क के भेज रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? भैया आपको डर नहीं लग रहा है क्या? अरे भैया सुनिए तो, इधर देखिए, जब हमने कहा तब आप मास्क लगा रहे हैं। बोलिए कुछ, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है। तो फिर लगाए मास्क में कितने रुपए का मिलता है? 5 रुपए का। 5 रुपए नहीं है आपके पास? आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना संक्रमण से? डर लग रहा है। हाँ, फिर भी आप बिना मास्क के टहल रहे हैं? चलिए मास्क चला रहे हैं। कहाँ है मास्क आपका? भैया मास्क क्यों नहीं लगाए आप? कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे राहगीरों से बात करते हुए पता चला है कि जब हम उनके सामने जाते हैं तो वो हमें देख के मास्क लगा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल डर नहीं है, बेखौफ धड़ल्ले से यहाँ पे टहल रहे हैं। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। धन्यवाद। भैया आपने मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क दुकान पे रखा हुआ मैडम। दुकान पे रखा है? कोरोना से आपको डर नहीं लग रहा है? भैया कोरोना से आपको डर नहीं लग रहा है? मास्क नहीं लगा रखा था, अब लगाया, डर नहीं लग रहा है आपको? भैया मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क ये रखा है, ये देखिए। मास्क रखने के लिए होता है? लगाए पे कस्टमर सामान। आपको डर नहीं लग रहा है इतना कोरोना फैल रहा है? ये लगाए ले। हाँ, जब हम कहेंगे तब आप लगाएंगे? अरे हम ये लगाए, खीरा खा रहे हैं ना। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बिना मास्क के टहल रहे हैं? भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क भूल गए। भूल गए? कोरोना से डर नहीं लग रहा है आपको? अरे रखा मुझे। आपका कहाँ है? जब हम कहेंगे तब लगाएंगे। डर नहीं लग रहा आपको बिल्कुल भी कोरोना संक्रमण से? इतना तेजी से फैल रहा है, आपका कहाँ लगा? लगा जब हमने कहा तब आपने लगाया। डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी आपको? इतनी तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, आपको डर नहीं लग रहा है? मैम मास्क कहाँ आपका? अरे गिर गया है। गिर गया? हाँ। कितने रुपए का मिलता है? अरे दुपट्टा लगाया है ना अभी सारे। आपने इतने लगाए, हमने तो आपको ऐसे ही देखा। नहीं लगाए थे अभी सारे। ऐसे हमारी सेफ्टी है, कोरोना से दूर रहेंगे। जो सरकार ने हम लोगों को नई गाइडलाइन दी है कि हम लोग मास्क लगाएं, समय समय पर सैनिटाइजर करते रहें, हाथ को धुलें और लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, तो इसके लिए क्या आपको ये गाइडलाइन सही लगती है? हाँ सही है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ऐसे घूम रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं? सबको करना चाहिए ना ये सब। जी सबको लगाना चाहिए ना। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? सुरक्षा के लिए लगाते हैं मैम, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है सब। जी आपने सही कहा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो बिना मास्क के टहल रहे हैं? ऐसा लगता है कि हमें नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वो टहलते हैं। और तो क्या लगता है कि आपको उन्हें कोविड-19 से डर नहीं लग रहा है? डर हमको लगता है तो हम यूज करते हैं उसके लिए। तो आप उन लोगों से कैसे दूरी बना के रखती हैं? हम लोग को जाने दीजिए। ओके थैंक यू मैम। भैया मैम आपका क्या कहना है, जो यहाँ पे आप मास्क लगाए से आपको क्या प्रॉफिट है? नहीं, इन्फेक्शन से बच रहे हैं और क्या। तो जो लोग यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो लापरवाही कर रहे हैं और क्या। तो आप यहाँ पे बुद्ध बाजार में क्या करने हैं, शॉपिंग करने आई हैं? बाहर से आए, दवाई लेके आ रहे थे। तो आप शॉपिंग भी करने आई हैं? तो जो मास्क नहीं लगा के टहल रहे हैं उनसे आप दूरी कैसे बनाती हैं? बस थोड़ा सा दूर खड़े हो जाते हैं और क्या। सरकार ने जो हम लोगों को गाइडलाइन दी है वो सही दी कि गलत दी है? सही दी है। और लेकिन जो लोग ऐसे धड़ल्ले से घूम रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई मास्क लगाइए और अपने आप को बचाइए कोरोना से। ओके थैंक यू मैम।
देखिए आपने भी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे धड़ल्ले से टहल रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज मास्क लगाइए, दो गज की दूरी बनाए रखें और समय समय पर अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें। धन्यवाद।